हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ पुदीना राइस। पुदीना राइस बनाने के लिए हमें चाहिए पुदीना, एक मीडियम अनियन, ग्रीन बीन्स, कैरेट, दो हरी मिर्च और एक टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। हरे मिर्च आप अपने स्पाइस लेवल के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमें चाहिए कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में हम लेंगे दो ग्रीन इलायची, दो ब्लैक इलायची, दगड़ फूल यानी कि कल्पासी या ब्लैक स्टोन फ्लावर, एक तेजपत्ता, एक टेबलस्पून शाही जीरा, एक इंच लंबी दालचीनी और 4 से 5 लौंग। काजू गार्निशिंग के लिए, लेकिन ये ऑप्शनल है। चावल को हमें 20 मिनट तक सोख करके रख लेना है। यहाँ मैंने बासमती राइस का यूज़ किया है। अब हम बनाएंगे पुदीना का पेस्ट। इसके लिए हम पुदीना को डाल देंगे एक मिक्सर ग्राइंडर में। साथ में हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली और इसे थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह पीस लेंगे। अब हम लेंगे एक सॉटे पैन, से गर्म होने देंगे। फिर हम डालेंगे उसमें 2 टीस्पून घी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे सारे खड़े मसाले। खड़े मसालों को हम कम से कम 2 मिनट तक घी में अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह घी में इन्फ्यूज़ हो जाए। हमें बीच बीच में हिलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। 2 मिनट के बाद अब हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज को हमें पतला काट लेना है। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। नमक डालते ही प्याज जल्दी ही पक जाएगा, क्योंकि ये मॉइस्चर जल्दी छोड़ देता है। फिर हम थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे। जब इसका कलर ब्राउन हो जाए तब हम डालेंगे इसमें पुदीना का पेस्ट। पुदीना का पेस्ट डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर और फ्राई कर लेंगे, ताकि जो पुदीना का कच्चापन है वो निकल जाए। फिर हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसे भी हमें अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। क्योंकि हम ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें इसे चलाते रहना पड़ेगा, ताकि ये नीचे से जल ना जाए। फिर हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। यहाँ मैं ग्रीन बीन्स और कैरेट यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह मिला लेंगे, ताकि पुदीना और प्याज अच्छी तरह वेजिटेबल के साथ मिक्स हो जाए। फिर हम इसे ढक करके 5 मिनट तक पकाएंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो वेजिटेबल्स का जो फाइबर है वो लॉस हो जाएगा। फिर हम सोख किया हुआ राइस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 कप राइस लिया है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे पानी। पानी हमें डबल क्वांटिटी ऐड करनी है जितना हमने राइस लिया है। तो 2 कप राइस के लिए मैं 4 कप पानी ऐड करूँगा। मैं नमक भी चेक कर लूँगा, क्योंकि नमक थोड़ा कम है, तो 1/2 चम्मच मैंने नमक ऐड कर लिया। एक बार फिर से मैं इसे मिला लूँगा और फिर इसे ढक करके तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाऊंगा, क्योंकि बासमती राइस से सोख किया हुआ जल्दी ही पक जाएगा। और अगर आपके राइस में मॉइस्चर कंटेंट है तो आप इसे फिर से ढक करके 1 या 2 मिनट तक पका सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा पुदीना राइस बनके रेडी हो गया है। इसमें हम गार्निश करने के लिए डालेंगे काजू और बादाम। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।